नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अमृताज वेज किचन। दोस्तों आज हम महाराष्ट्र की फेमस डिश झुणका भाकरी बनाएंगे, तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे रेसिपीज़ को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। झुणका बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन, 1.5 कप बेसन है, 2 बड़े साइज़ के प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन और अदरक की पेस्ट 2 छोटे चम्मच, बारीक कटा हरा धनिया, नमक स्वादानुसार, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, राई, हींग और हल्दी, और बाजरे की रोटी बनाने के लिए यानी कि भाकरी बनाने के लिए बाजरे का आटा। सबसे पहले हम पैन में तेल गरम करेंगे। नॉर्मल सब्जी में हम 2 बड़े चम्मच तेल डालते हैं, झुणका में 4 से 5 बड़े चम्मच तेल लगता है, क्योंकि वो जो झुणका होता है वो ड्राई होता है, उसे पकाने के लिए तेल ज़्यादा चाहिए। तेल गरम हो चुका है, हम इसमें 1 छोटा चम्मच राई डालेंगे। इसमें 1 चुटकी हींग डालेंगे और बारीक कटा हरा धनिया थोड़ा सा इसमें डालेंगे। और ये जो प्याज है हम इसमें डाल देंगे। प्याज को हल्का ब्राउन होने तक हमें पकाना है। इसमें हम स्वादानुसार नमक डालेंगे, नमक डालने से प्याज जल्दी पक जाएगा। इसे बराबर मिक्स कर लेंगे। ये हमारा प्याज जो है हल्का ब्राउन हो चुका है, गैस को हम धीमी कर देंगे। ये हमारा प्याज जो है हल्का ब्राउन हो चुका है, अब हम आंच को धीमी कर देंगे और इसमें ये हरी मिर्च, अदरक और लहसुन की पेस्ट डालेंगे। वैसे झुणका जो है वो थोड़ा सा स्पाइसी होता है, इसे हम बराबर मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला डालेंगे। इसे हम बराबर मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका है, हम इसमें बेसन डालेंगे और इसे बराबर मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे इसमें गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए। मसाला जो है ये एकदम बराबर बेसन में मिक्स हो जाना चाहिए और इसे एकदम धीमी आंच पर पकाना है। अब हमें इसमें पानी छिड़कना है, डालना नहीं है, इस तरह से इसमें पानी छिड़कना है। चारों तरफ इसमें पानी होना चाहिए और ये जो है झुणका वो पतला नहीं होता है, तो इसमें पानी थोड़ा थोड़ा डाल इस तरह से डालना है और इसे पकाना है।
हम इसे बराबर मिक्स कर लेंगे। इसे हम ढककर धीमी आंच पर 10 मिनट पकाएंगे और 10 मिनट बाद फिर से पानी छिड़केंगे। ये प्रोसेस हमें 3 से 4 बार करनी है जब तक ये बेसन पूरी तरह से पक ना जाए। जब तक हमारा झुनका पकता है तब तक हम बाजरे की रोटी बनाएंगे। तो बाजरे की रोटी बनाने के लिए हम एक बर्तन में पानी लेंगे और इसमें हम स्वादानुसार नमक डाल देंगे। मुझे 3 से 4 बाजरे की रोटी बनानी है तो मैं उस हिसाब से पानी मैंने लिया है और नमक भी उसी हिसाब से डालूंगी। ऐसा करने से क्या होगा कि आप 3 बाजरे की रोटी बनाएं, 4 बनाएं, सब में नमक का टेस्ट एक जैसा आएगा। इसे हम बराबर मिक्स कर लेंगे। एक तरफ हम तवा गरम होने के लिए रख देंगे। वैसे महाराष्ट्र में लोहे की तवे पर बाजरे की रोटी बनती है लेकिन मैं मिट्टी के तवे पर बनाऊंगी। सबसे पहले हम बाजरे का आटा लेंगे बड़े से बर्तन में। दो बड़े चम्मच बाजरे का आटा है। इसमें हम ये पानी थोड़ा थोड़ा इसे डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। आटे को हमें बराबर मसलना है। ये हमारा आटा गूंद के तैयार है। हम इसका गोला बनाएंगे। देखिए इस तरह से। ये गोला बन चुका है। इसे हम दोनों हाथों के बीच रखेंगे और ये पार्ट जो होता है हमारे हाथ का, इससे हम इसे दबाते जाएंगे। झुनका के साथ जो भाकरी होती है वो थोड़ी सी पतली होती है, तो हम इस बाजरे की रोटी या फिर भाकरी को थोड़ा सा पतला बनाएंगे। कोशिश करें कि एकदम गोल बने क्योंकि इसको हमें तवे पर ही फुलाना है। ये हमारे बाजरे की रोटी तैयार है, हम इसे तवे पर डालेंगे। अब इसे तेज आंच पर इसे हम एक साइड से पकने देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब ये जो झुनका है इसमें हमें फिर से पानी छिड़कना है। इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा और पानी छिड़केंगे। फिर एक बार इसे मिक्स कर लेंगे। इसे हम और 10 मिनट पकने देंगे। ये बाजरे की रोटी जो है एक तरफ से पक चुकी है। धीरे से हम इसे इस तरह से निकालेंगे, इसे उल्टा कर देंगे। दूसरी तरफ से भी इसे पकाएंगे और ये जब तक पकती है तब तक हम दूसरी एक और रोटी बनाएंगे।
देख लेते हैं बाजरे की रोटी जो है दूसरी साइड से पकी है या नहीं। अभी और इसे हम थोड़ा और पकने देंगे। यह हमारा झुनका जो है पक चुका है। हम गैस को बंद कर लेंगे और इसे ढक कर रख देंगे। इसे गैस से नीचे उतार देना है ताकि ये जल ना जाए। देखिए ये जो बाजरे की रोटी है, पहले जब हम इसे तवे पर डालते हैं तो इसे कम पकाना है और दूसरी तरफ से इस तरह से ज़्यादा पकाना है। अब इसे हमने उल्टा कर दिया। अब इसे हम फूलने देंगे, अपने आप फूलेगी। देखिए ये फूल चुकी है। अब ये जो बाजरे की रोटी का आगे का पार्ट है इसे हम इस तरह से होल कर देंगे। और इसमें हम घी डाल देंगे और इसे इस तरह से फैला देंगे। इसी तरह से हम बाकी की बाजरे की रोटी भी बना लेंगे। ये हमारी गर्मा गर्म झुनका भाकरी बनके तैयार है। हम इसे प्याज और हरी मिर्च के साथ सर्व करेंगे। तो आप भी बनाइए और मुझे बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।